देश में अनलॉक फेज थ्री चल रहा है और धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटने भी लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सेक्टर्स अभी भी लॉकडाउन का सामना करने के लिए मजबूर हैं। इन सेक्टर्स में टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर रिटेल तक शुमार है, साथ ही माइनिंग जैसे पहले से बंद सेक्टर्स का हाल और बुरा हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था अनलॉक के तीसरे फेज में है। हर एक अनलॉक के साथ अर्थव्यवस्था के जाम पहियों ने सरकना शुरू कर दिया और धीमी धीमी चाल से बढ़ने लगे। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने रिकॉर्ड एफडीआई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की बात कहकर पीएम के बयान भरोसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात फिलहाल गंभीर बने हुए हैं। कई सेक्टर अभी भी लॉकडाउन के कड़े पहरे में हैं और उनका अनलॉक शुरू होने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। कुछ को लोकल लॉकडाउन ने बेहाल कर दिया। इन सेक्टर्स में शामिल हैं रिटेल इंडस्ट्री, जिसे कोरोना काल में 15.5 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। टूरिज्म सेक्टर को 5 लाख करोड़ का नुकसान और यहां 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। संगठित होटल इंडस्ट्री को कोरोना काल में 12,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री कोरोना काल में 25,000 करोड़ की चोट खा सकती है। एजुकेशन इंडस्ट्री में नुकसान के साथ साथ 28.5 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर भी संकट है। हालांकि वो सेक्टर्स हैं जिनका हाल कोरोना काल से पहले बेहतर था, लेकिन देश में माइनिंग के भरोसे गुजर बसर करने वाले अलग अलग इलाकों के लाखों लोग कोरोना से पहले संकट में हैं। कोरोना में तो इनके सामने भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। मिसाल के तौर पर गोवा और कर्नाटक के माइनिंग सेक्टर। गोवा में रेवेन्यू और रोजगार के हिसाब से टूरिज्म नंबर वन है, लेकिन कोरोना काल में इस सेक्टर पर ताला लग गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा का खनन उद्योग है। इस सेक्टर में तकरीबन 3 लाख लोग काम करते हैं, लेकिन 2 साल से माइनिंग पर बैन लगने से इनकी रोजी रोटी पर संकट गहराता जा रहा है। गोवा सरकार का कर्ज 20,000 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अब यहां की सरकार और यहां के लोग पीएम से गुहार लगा रहे हैं, वो इन्हें इस संकट से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए भारत को पहले घरेलू मोर्चे पर सुधार करने की जरूरत है। भारत में लाइसेंस राज से लेकर मंजूरियों की लंबी फहरिस्त आत्मनिर्भर भारत के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। आत्मनिर्भर भारत का सपना मई में पीएम के ऐलान के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण तक छाया हुआ है। इस सपने को साकार करने के लिए पीएम हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लाल किले से दिए गए भाषण में पीएम ने 30 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। इन 30 बार के जिक्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, अब सवाल उठता है कि क्या ये करोड़ों संभावनाएं इन लाखों चुनौतियों से पार पाए बिना हासिल की जा सकती हैं? इसका सवाल धीरे धीरे वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज गवा रहे चीन की मिसाल से समझा जा सकता है। चीन के 10 बड़े सेक्टर्स की चीन के कुल निर्यात में 70% हिस्सेदारी है। भारत को भी इसी तरह से पहले अपने फर्टिलाइजर और फार्मा समेत ऐसे सेक्टर्स को प्रोत्साहन देने की है जो निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह भारत को 15 उन सेक्टर्स की पहचान करनी है जिनकी आयात में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। इनमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, लौह चादर, अलौह धातु, वनस्पति तेल। भारत हर महीने केवल $5 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है और इसमें चीन की हिस्सेदारी 43% है। यानी भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग का मैजिक दुनिया के सामने दिखाना होगा। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बिज तक भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।